जो देश के लिए हमेशा साथ में लड़े, आज दुश्मन बन क्यों आमने सामने खड़े? रुक जाओ! चला गोली अभिजीत! दया! उनकी कहानी अभी बाकी है, जिनका बस नाम ही काफी है। सीआईडी वापस आ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। टॉस हार गए। चलो गाइस, कोई नहीं, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन कम ऑन। इधर बॉल तो ला। हाँ, एक काम कर, तू उधर चले जा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, आना भाई, इधर आ। अरे रॉनी, तू तू वापस आ गया यार। मुझे लगा तू कभी वापस नहीं आएगा यार। कैसे वापस नहीं आता यार, पढ़ाई तो पूरी करनी थी ना। हाँ वो तो है। अच्छा सुन, पैसों का इंतजाम किया तूने? किया है कुछ इंतजाम। चल यार, अब तो तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करने का। अच्छा बता, माँ और छोटकी डिब्बी कैसी है? दोनों बहुत अच्छे हैं, तभी तो वापस आया हूँ। वेरी गुड। ये चोट कैसे लगी तुझे? वो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। फ्रेंड्स, रॉनी के आने की खुशी में आज रात की पार्टी मेरी साइड से। वैसे करने क्या वाला तू? बताता हूँ, रुक। ये देख, मेगा स्टार अजीत कुमार की ब्लॉकबस्टर मूवी, तुम ही हो। अरे तुझे पता है वो कितने कमाल का एक्टर है? ये ललित तो अपने कॉलेज के ट्रस्टी का फैन है। कितने कमाल का एक्टर है? मुझे नहीं देखना इसे। मतलब मुझे नहीं देखनी इसकी मूवी। क्या हो गया तुझे? अरे मैं जा रहा हूँ। मेरी रॉनी, अरे रॉनी, 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 अरे रॉनी, तो ठीक तो है? हाँ बस वो बैग रखने के लिए आया था। अरे यार, मैं तो डर गया था यार, क्या हुआ तुझे यार? नहीं, वो हल्का सा सिर दर्द। तुम गया नहीं मूवी देखने के लिए? देख, तू नहीं जा रहा तो प्लान कैंसिल। नहीं यार, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं, तूने सबको प्रॉमिस किया तो सबको लेके जा। और तू? मैं थोड़ा थक गया हूं, तो आराम करूंगा। ठीक है, चल चलता हूं। तैयार हूं, सब मालूम है क्या करना है। काफी समझदार हूं। हाँ सही कहा तुमने, तभी तो किसी का खून करने के लिए तैयार हो गया हूं मैं। तैयार हो? तैयार हो। डर तो नहीं लग रहा?
जब मरना और मारना सोच ही लिया तो डर किस बात का? इतनी महंगी गाड़ी में रॉनी, इतनी रात को कहां जा रहा है? हेलो जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा जैसे कि आप चाहते हैं। देख लीजिएगा, आज की रात सुपरस्टार अजीत कुमार अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। चलो, तुम्हारे काम का वक्त हो गया है, ओके? कुछ पता चला अजीत सर कब तक आने वाले हैं? किसी को कुछ नहीं पता, कब आएंगे? हाँ मत पूछ यार, अच्छी खासी पार्टी छोड़कर अजित के ये चैरिटी इवेंट मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। टीचर, वन सेकंड, फोन करके पता तो करो कि अजित यहाँ आने के लिए निकला है कि नहीं। मॉम रिलैक्स, आपका बेटा तो आपके हाथ से निकल ही चुका है, क्यों इतनी फिक्र करती है उनकी, आ जाएंगे। ये अजित कुमार कभी भी टाइम पे नहीं आते। कहाँ रह गया ये अजीत, अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं कितना टाइम हो गया, अभी तक ये अजीत आया क्यों नहीं? आ जाएंगे। अरे डस को सुने, तुम्हारे अजीत साहब कहाँ है? क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी है? मैडम, अजीत सर ने हमको साथ आने ही नहीं दिया, रास्ते में हमें गाड़ी से उतार दिए और खुद गाड़ी चला के लेके गए और वो बोले कि चैरिटी इवेंट पर भी नहीं आएंगे। क्या अजीत कुमार जी नहीं आ रहे? अरे भैया जरा सुनो। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, आ जाएगा। हाँ। बहुत हो गया इंतजार, हमें हमारे पासेज के पैसे वापस कर दीजिए। संजय जी मेरी बात तो सुनिए, शांत हो जाइए। अरे आ जाएंगे, हमारी बात तो सुनिए। अरे नहीं, वो अजीत कुमार नहीं आ रहा। नहीं ये नहीं हो सकता। अरे शांत हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाइए, प्लीज दूर हो जाओ, प्लीज दूर। हमारे पैसे
क्या नाम बताया इस लड़की का? सर मलिका। मलिका, ह्यूमन बम। कामिनी जी, आप में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं सर, हम नहीं जानते। सर, उनके पास वीवीआईपी पास था और वो इवेंट शुरू होने से पहले ही अजीत कुमार जी को फ्लावर दे के उनका स्वागत करने वाली थी। हो सकता है उसका निशाना अजीत कुमार ही थे। जब उसे पता चला कि वो यहाँ आ नहीं रहे, वो वापस जा रही थी। देखिए, इस जगह का सीसीटीवी फुटेज चाहिए और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इस मलिका की। सर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कामिनी जी, आप फिक्र मत करिए, हमारी दूसरी टीम अजीत कुमार को ढूंढ रही है। बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हेलो सर, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पर हुआ क्या है ये तो बताइए। सर, मैं सुबह 6 बजे एयरपोर्ट से घर आई। मैं 6 महीने बाद अपने घर से लौटी हूँ और ये भी मेरे साथ थे। हाँ सर, मैडम सच कह रही है। अच्छा, फिर? मेरे बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर अंदर लाश पड़ी थी। आप ये रुकिए प्लीज। अजित कुमार, ये तो सुपरस्टार अजित कुमार है। पर ये लड़का कौन है? आप इन दोनों को जानती हैं? सर, मैं इन दोनों में से अजीत कुमार को जानती हूँ। ये मेरे फ्रेंड हैं। वीकेंड पार्टीज के लिए इन्होंने मुझसे घर की चाबी ली थी। अच्छा, दो गोली लगी है, एक सीने पे और दाहिने हाथ पे। और अजीत कुमार के बाएं आंख में गोली लगी। सर, सर इसका नाम रॉनी है और ग्लोबल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। एक कॉलेज स्टूडेंट है और एक सुपरस्टार, दोनों बंद कमरे में एक साथ मरे पड़े हैं। सर, सर ये बुलेट शेल मिला है। 3 गोली चली है श्रेया, 2 शेल और मिलना चाहिए। सर, इसके हाथ पे गन पाउडर लगा हुआ है, इसका मतलब अजीत ने गोली चलाई है। और इस रॉनी का खून कर दिया। तो फिर अजीत को किसने मारा सर? मतलब यहाँ इस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था। जब अजीत ने रॉनी को गोली मार दी, उसके बाद उस तीसरे आदमी ने अजीत पे गोली मार दी। सर, यहाँ पर तीसरा आदमी कोई भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोग आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं और इन लोगों को मरा हुआ देखा। लाश टूटा हुआ है। सर, हम सच कह रहे हैं। सर, सर और कोई बुलेट शेल्स नहीं मिले। अगर कमरे में कोई तीसरा था ही नहीं, तो फिर अजीत कुमार को गोली किसने मारी? अब इसका जवाब तो साळुंखे साहब ही दे सकते हैं। ये पहली उन्हीं को देते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हलमा हो गया सर, हलमा हो गया। फोरेंसिक लैब में हलमा हो गया सर। हलमा, हलमा चारों तरफ से हलमा। टेक योर पोजीशन सर, अपनी गन निकाल लीजिए। अरे टीचर, पंकज दुश्मन भाग जाएगा, मैं गन लाना भूल गया। गन लाना भूल गया सर? कोई बात नहीं, मेरे पास गन है। एक गोली मैं चलाता हूँ, एक आप चलाना।
गोली किसने चलाई? सर कब? अपनी गन कहाँ है? अपनी गन कहाँ है? उधर 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 सर संभाल के नहीं अबे पीछे से क्या गोली चला रहा सामने आके गोली चला आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सब रुक सालूंगे दया तुमने गोली चलाई उसका गोली हाँ वही चलाई ये हमारे दो 30 मार खा नीचे कर डाल नीचे कर क्यों चला एक गोली सर हमें लगा कि हलमा हो गया हलमा हलमा अटैक काउंटर अटैक अरे यार अरे हलमा नहीं हमला 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 सॉरी डॉक्टर साहब पता चला वो 3 गोलियां किसने चलाई हाँ दया पता चल गया दया अजीत की बॉडी में से बुलेट निकाल ली है मैंने और उसे इस बुलेट के साथ मैच करके देखेंगे जो मैंने अभी अभी फायर की सर इन दोनों की आंखों से खून निकल कर जम गया मतलब गोली आंख में भी लगी है तो गोलियां मिली सर गोली कहीं नहीं गई यही है आइए यहाँ इन लोगों के दिमाग में ये कैसी गोली है एक गोली टूट गई है हाँ दे ये गोली ऐसी गोली नहीं है जैसी ये ओ अब सब समझ में आ गया सर फिर मुंह खोला सर चित्रोले सर कहते हैं कि जब डिटेक्शन का मामला हो तो जरूर मुंह खोलना चाहिए सुन लो भाई देखते हैं क्या तोप चलाइए सर पहले अजीत ने रॉनी को गोली मारी मारी लेकिन रॉनी मरा नहीं उसको गुस्सा आया उसने अजीत से गन छीन ली फिर उसने अजीत की आंख में गोली मारी अजीत को बहुत जोर से दर्द हुआ लेकिन वो मरा नहीं अजीत ने उससे गन छीनी और रॉनी के आंख में गोली मारी चलो मारी फिर सर दोनों मर गए कमाल है यार हाँ थी तुम अब तक ए? चलो भाई छुट्टी हो गई केस तो सॉल्व कर दिया इन्होंने वाह दोनों एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे या फूल फेंक के मार रहे थे हा? गोली मारी कोई मरा नहीं एक दूसरे की गन छीन रहे इस चित्रोली की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया दो और खड़े चित्रोले के हीरे तुम्हारे पीछे वो देखो हीरे बोला मुझे बोला ये देखो दया जो गोली मुझे रोनी की छाती से मिली है वो इसी गन से चली है अगर एक बुरी खबर और वो और क्या रहेगा सर इस पिस्टल पर सिर्फ अजीत की उंगलियों का निशान गन किसी ने छीनी नहीं है गोली सिर्फ और सिर्फ अजीत ने चलाई है अजीत ने रोनी को 2 गोलियां मारी एक आंख में और एक छाती पर तो अजीत की आंख में किसने मारी गोली सिंपल है सर केस सॉल्व अजीत ने खुद अपनी आंख में गोली मारी है ए चित्रोले कह रहे चुपचाप खड़ा रहे दया एक बात अच्छी तरह समझ लो जो गोली आंख के अंदर है वो इस गन से नहीं चली है वो गोली किसी और गन से चली है तो है कहां वो गन देखिए सर जितना मुझे पता है उतना आपको सब बता दिया आप समझ रहे हैं ना सर आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा मैं आपको फोन करता हूँ सर सर कौन है ये हम नहीं जानते इसे ये रॉनी है जिसका आपके पति ने खून कर दिया है क्या झूठ है ये सर
मेरा अजीत ऐसा नहीं कर सकता है। कोई मेरे बेटे को फंसा रहा है। हाँ अजीत सर के मरने की डिटेल्स देता हूँ। हाँ सबसे पहले आपके चैनल्स को ही दूंगा। ए मिस्टर टकुन, एक मिनट, ये बंद करिए अपना पीआर का ड्रामा, समझे आप, वरना मैं आपको खबर बना दूंगा। पांच पांच मोबाइल लेके घूम रहे, बंद करिए सब। सॉरी सर। ठीक है, आप इसे नहीं जानते हैं, आप मल्लिका को भी नहीं जानती जो सुसाइड बमर बन के गई थी वहां पे, मगर ग्लोबल कॉलेज का नाम तो सुना होगा आपने। जी हाँ, मेरा बेटा ट्रस्टी था वहां पे, लाखों रुपया डोनेट करता था वो। हाँ जी हाँ जी, मैंने बहुत चेक साइन करवाए साहब से उस कॉलेज के नाम पर। चलिए एक कनेक्शन तो मिला। रॉनी उसी कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था जहाँ आपका पति और आपका बेटा ट्रस्टी था। और वो मल्लिका जो सुसाइड बॉम्बर बनी थी वो सारस नगर में रहती थी। अब सारस नगर सुन के कुछ तो याद आ रहा होगा आप लोगों को। हा? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मेरे बेटे के कातिल को पकड़ लीजिए बस। खैर वो तो बचेगा नहीं, ये कहानी ग्लोबल कॉलेज की तरफ ही जा रही है, वहां चल के देख लेते हैं। रॉनी के सर के पीछे और आंख के ऊपर हमें कुछ स्टिच मार्क्स मिले। आप लोग बता सकते हैं कि इस हादसे से पहले उसके साथ क्या हुआ था? मैम, पिछले हफ्ते जब रॉनी कॉलेज से घर गया था तो उसके सिर पे कोई निशान नहीं था। जब वो घर से हॉस्टल आया तब मैंने उसके सिर पे बैंडेज देखा था। मैम घर पे कुछ चोट वोट लगी थी क्या उसे? नहीं सर, सर हॉस्टल से आने के बाद वो हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। पर जब दो दिन बाद वो वापस आया तो उसने कहा खंडेला हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। सर हमारे पास तो उसकी फीस तक भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब उसने मेरे अकाउंट में 35 लाख रुपए जमा करवाए तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि वो जरूर कुछ गलत काम कर रहा है। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन भैया ने कुछ नहीं बताया और वो कॉलेज चला गया। सर दो दिन में 35 लाख, मतलब जरूर कुछ गलत काम किया होगा उसने। लगता तो है। सर मल्लिका हमारे कंट्रोल में नहीं थी, उसके जो भी मन में आता था वो वही करती थी। अगर वो कुछ गलत काम कर रही थी तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते थे, पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, मगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? लेकिन सर हमें अगर पता होता कि ये सब हो रहा है तब तो हम कुछ करते ना। ये लड़की खुद तो चली गई मगर इसने हमें कहीं कहीं नहीं छोड़ा। सर समालिका के कबर्ड से मिला, छुपा के रखे गए थे। तुम रॉनी के रूममेट हो, कल उसे हॉस्टल से बाहर जाते देखा तो होगा ना? हाँ सर, मैंने उसे एक सफेद रंग की मैकेंजी कार में एक हट्टे कट्टे आदमी का जाते हुए देखा था सर मैंने। देखोगे तो पहचान लोगे उसको? नहीं सर। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि रॉनी को कल किन किन लोगों ने फोन किया था। ये सिरिंज और मेडिसिन डस्टबिन में मिली है, किसकी है? सर ये रॉनी की होगी सर। नहीं सर, हमारा रॉनी तो ऐसी दवाइयां इस्तेमाल ही नहीं करता ना। सर यूज्ड है, पता करो ये दवाइयां किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। मल्लिका और सुपरस्टार अजीत कुमार, इन दोनों की काफी पुरानी जान पहचान है, है? ये तो 6 साल पुरानी फोटो, तब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर सर तब अजीत स्टार नहीं था। मगर ये रिश्ता तो 6 साल पहले ही टूट गया था सर, जब अजीत ने शादी के लिए मना कर दिया था। मल्लिका को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा था सर, और वो डिप्रेशन में भी चली गई थी, और फिर कभी अजीत से नहीं मिली। पता नहीं अचानक अजीत से बदला लेने की उसने कैसे सोची, और वो भी ऐसे। ह्यूमन बॉम्ब बनकर बदला लेने के प्लानिंग के लिए कोई 6 साल तक इंतजार क्यों करेगा? मल्लिका से हाल फिलहाल में कोई मिलने आया था जिसने उसे भड़काया हो? हमें कुछ नहीं पता,
हो सकता है उसका कोई ऐसा दोस्त हो जो मलिका और अजीत के रिश्ते के बारे में जानता हो। सर मैं कुछ नहीं मालूम। मलिका कहीं पे काम करती थी? सर वो एक होटल में वेटर्स का काम करती थी। कौन से होटल में? ग्रीन रूट पैलेस। दोनों की आंख पर एक ही तरीके की गोली लगी है। हाँ सर, और जैसे ही गोली आंख पर लगी, गोली के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, ये गोली फटी क्यों? इस गोली के टुकड़े क्यों हो गए? कमाल है सर, एक बात बोलूं? अरे का बोलने पर कोई सेंसरशिप नहीं है यहाँ पर। मालूम है सर, लेकिन बात थोड़ी सी अजीब थी इसीलिए। अजीब है तो जल्दी बोलो। सर ये गोली के टुकड़े जो हमें रॉनी और अजीत के दिमाग में से मिले हैं, वो इस पिस्टल से तो आई नहीं है। इस पिस्टल से सिर्फ एक ही बुलेट निकली है और वो है ये। अब इस गन से कोई दूसरी तरह की गोलियां तो नहीं चल सकती ना? बिल्कुल तारीख, कोई और पिस्टल भी थी वहां, किसी और पिस्टल से चली है ये गोलियां। जो पिस्टल बाद में गायब हो गए। मतलब सर उस कमरे में कोई तीसरा आदमी भी था? कोई तीसरा आदमी भी था वहां पर और उसने गोली चलाई और जिस गन से गोली चलाई वो लेकर के गायब हो गया। मतलब वो तीसरा आदमी इन दोनों का दुश्मन था? क्या मालूम, हो सकता है उस तीसरे आदमी ने इन दोनों में झगड़ा करवाया हो और फिर अजीत ने रोनी को गोली मार दी। देखो ये एक्सरे भी यही बताता है और रोनी के दिमाग की हालत क्या हुई है ये तुम्हें मालूम? हाँ सर, एकदम भुरता बन गया है, गोली के टुकड़ों ने हलवा बना दिया दिमाग का। जब उसी तरीके की गोली के टुकड़े अजीत के दिमाग में घुसे, वो अजीत के दिमाग का भुरता क्यों नहीं बना? मालूम नहीं सर। कमाल है, एक ही तरीके की गोली दोनों के आंख में लगी, एक ही तरीके की गोली के टुकड़े दोनों के दिमाग में घुसे, लेकिन एक के दिमाग का भरता बन गया, दूसरे का दिमाग सही सलामत। ऐसी गन होगी जिससे इस तरह की गोली चली है। सर अजीत कुमार हमारे होटल में अक्सर आया जाया करते थे और मल्लिका एक मामूली सी वेटरेस थी, ये अजीत कुमार के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है समझ नहीं आता। इसीलिए तो आपके स्टाफ को बुलाया है, शायद वो कुछ बता सके। मल्लिका यहाँ आप लोगों के साथ काम करती थी और एक दिन उसने सुसाइड बॉम्बर बनकर सुपरस्टार अजीत कुमार को मारने का फैसला किया। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि मल्लिका की अजीत कुमार के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसने कुछ बताया हो कभी आपस में बात बात करते हुए। सर मल्लिका और अलीशा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अगर उसने कुछ बताया भी होगा ना सर, तो अलीशा को बताया होगा सर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने। और वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, मुझे क्या पता। हमने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं आपसे कि वो ड्यूटी के बाद कहाँ जाती थी। वो मैं देखो अलीशा, जो भी है हमें बता दो, ऐसा ना हो कि सच छुपाने के चक्कर में तुम खुद ही फंस जाओ। बॉम्ब का मामला है सर, मैं उसकी बातों में आकर उसकी मदद करने लगी थी। मल्लिका के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान था और वो एक दिन अजीत कुमार को फोन पे धमकी भी दे रही थी। उसने अजीत कुमार को फोन पे धमकी दी थी? हाँ सर, मल्लिका ने मुझे बताया था कि 6 साल पहले वो और अजीत कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर क्या हुआ? फिर अजीत कुमार एक दिन आया यहाँ उससे मिलने के लिए। पागल हो गए तुम, 6 साल के बाद फिर से तुम पर शादी का भूत सवार हो गया। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ। तुमने मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। अजीत, या तो तुम मुझे अपना लो नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूँ। देखो सोसाइटी में मेरी इज्जत है और मैं एक बार शादी कर चुका हूँ, और तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की से शादी करके मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। अजीत मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी अगर तुमने मुझे नहीं अपना तो। तुम्हारी जैसी ना हजारों आई चली गई,
सिर्फ सपना ही देखो मुझे बर्बाद करने का। क्या हुआ मलिका, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो क्या। सब मलिका रोज कपड़े बदलकर 3 दिन तक लगातार 2 घंटे के लिए कहीं जाती थी, और ये बात सिर्फ मुझे पता है। कहाँ जाती थी ये बताया कभी उसने? नहीं सर, मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन वो हर बार मेरी बात टाल देती थी। 3 दिन तक 2-2 घंटे के लिए गायब रहती थी। पता करना पड़ेगा कि किससे मिलती थी वो। उसकी फोन की कॉल लिस्ट निकालो, देखो किस किस के संपर्क में थी वो। ओके सर, कल रॉनी को 2 कॉल आए थे एक ही नंबर से। एक आया था शाम को 4 बजे और दूसरा आया था रात को 8:50 को। वही होगा वो अट्टा कट्टा आदमी जो सफेद मैकेंजी में आया था, उसी ने रॉनी को फोन करके बुलाया होगा। पता लगाओ कौन है ये आदमी और इस वक्त कहाँ पे है। सर, जो दवाइयाँ रॉनी के कमरे के डस्टबिन से मिली थी वो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कम करने के लिए दी जाती है। काफी हैवी डोज है, जनरली प्रिस्क्राइब की नहीं जाती। सर लेकिन रॉनी को ऐसी दवा लेने की क्या जरूरत है? अब इस कुत्ती को तो डॉक्टर सालुंखे ही समझाएंगे। देखा था रेखा? जी सर। ये सारे फाइबर अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब गोली इसकी आंख के अंदर गई है। हाँ सर, लेकिन ये बात तो हमें मालूम है ना? मालूम है, मगर मालूम नहीं है। हाँ? इसकी आंख के बाहर बहुत सारा गन पाउडर है। इसका मतलब गोली बहुत पास से मारी गई है, राइट? डायरेक्ट तारिका जी, मगर आंख में गोली मारी गई है तो गन कहाँ है जिससे आंख में गोली मारी गई है? वो गन कहाँ है? यही है, यही है, यही है, वो गन यही है। सर, गन रॉनी के पास से कैसे मिलेगी? वहां पर गन नहीं थी तो कहां गई गन? सर गन तो वहां होनी चाहिए ना जहां पर गोली चलाई है। होना चाहिए लेकिन वहां पर गन नहीं है तो गन कहां गई? देखो तारिका, मैं इसकी खोपड़ी को दोबारा से खोल करके देखने वाला हूं। गन कहां है? यही होगी। सर मुझे लगता है कि आपको ना आपको एक अच्छे ब्रेक की जरूरत है। अच्छा? हाँ, वो अभिजीत भी यही कह रहा था। अच्छा अच्छा, अभिजीत ये कह रहा था है? तो आजकल आप अभिजीत से गुफ्तगू कर रही हैं, उससे सलाह ले रहे हैं आप आजकल है? अभिजीत ये कह रहा था, अभिजीत वो कह रहा था, ऐसी की तैसी उस अभिजीत की यार। उसकी नानी आ जाएगी ना उतर करके, वो भी नहीं ढूंढ पाएगी कि गन कहीं कहाँ, और मेरे पैर पड़ेगा तब भी नहीं बताऊंगा मैं उसे। हाँ काम करने दो, और स्कैल्पल लाओ जल्दी, प्लीज गो फास्ट, स्कैल्पल लाओ मुझे काम करना है यार। दीजिए। हाँ। कमरे में 2 आदमियों की लाश, कमरा अंदर से बंद, दोनों की आंख में खून। एक आदमी की आंख में गोली गई तो दूसरे की आंख में? दूसरे की आंख में भी गोली गई ना। नहीं, दूसरे की आंख में गोली गई नहीं, दूसरे की आंख से गोली निकली। हाँ? आंख में से गोली निकली? जी तारिका जी, आंख में से गोली निकली। सारे फाइबर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या? गोली आंख में से बाहर की तरफ गई है, बाहर की तरफ, राइट? राइट। हेलो सालुंखे साहब। हेलो हेलो। सर कुछ पता चला क्या? उल्टे पास बरेली को है? अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वहां पर गनवन मिली कि नहीं मिली? नहीं सर,
गन तो नहीं मिली। क्या करते हो यार? लेकिन कमरे के अंदर क्या हुआ था ये पता चल गया सर। गोली तो रोनी के आंख में से चली है ना डॉक्टर साहब, हैं? 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 अच्छा अच्छा अच्छा, आंख से फ्लैश निकाल रहे हैं वो देखने के लिए कि क्या देखने के लिए? अरे वो होता है ना वो अपना 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 सपना? नहीं नहीं सपना नहीं, वो खाल सर, खाल को चेक करना पड़ेगा ना भाई कि वो उसमें क्या 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 है खाल के अंदर। किस लिए? किस लिए कि वो, अरे खाल को, खाल का बाल निकालने के लिए। अरे सॉरी सॉरी, बाल की खाल निकालने के लिए। है ना तारिका जी? मिल गया। केस सॉल्व। कॉन्ग्रेचुलेशन तारिका जी। हेलो, रॉन्ग नंबर। अरे आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अब पता कैसे चला? लेकिन इसकी आंख के पीछे किसी ने एक छोटा सा बॉम्ब फिट करके रखा हुआ था। ओह, मतलब पैसों के लिए इसने अपने आप को बेच दिया? हाँ, वो बॉम्ब रिमोट से कंट्रोल होता था। हाँ, मगर फिर ये अपने आप कैसे फट गया? अभिजीत, क्राइम स्पॉट पे वो दीवार पर जो खून लगा हुआ था, वो खून कहां से आया? जैसे ही रोनी को गोली लगी होगी वो जाके दीवार से टकराया होगा। रोनी खुद जाकर के दीवार से नहीं टकराया, इस अजीत ने उसे मारा। पर अजीत इसे गोली मार चुका था। गोली लगने से रोनी फौरन नहीं मरा, अजीत को ये देख करके गुस्सा आया, उसने गुस्से में इसका सर पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। रोनी का दिमाग उसकी खोपड़ी की पिछली वाली हड्डी से जाकर के टकराया, अचानक इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बम फट गया। रोनी की आंख को फाड़ता हुआ सीधा अजीत की आंख में जाकर के घुस गया। बस यहां रोनी मरा, उधर अजीत मरा। ओ, ये मामला है। मगर रोनी के सिर पे ये बम फिट किसने किया होगा? हेलो, क्या? ठीक है सर, उस हट्टे कट्टे आदमी का पता लग गया जो उस रात रोनी को हॉस्टल से लेके गया था। वेरी गुड, अब वही बताएगा कि अजीत को कौन मारना चाहता था। सीआईडी, आप लोग यहां? टीशा जी और कामिनी जी कहां हैं? सर वो तो घर पे नहीं है। ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, इन पे जरा नजर रखो, अभी मिलवाते हैं आपको। हैं? टीशा, कामिनी जी, टीशा, कामिनी जी, कामिनी जी। सर कमरे में तो कोई नहीं है। सर लगता है घर पे सच में कोई नहीं है। देखो टुकुन जी, आपके लिए अच्छा होगा चुपचाप बता दो कहाँ हैं दोनों। सर मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता सर। सर ऊपर से आवाज आ रही है। टीशा तुम? नहीं मैं नहीं, ये मुझे मारना चाहती है। आप लोग सही समय पे आए, सच आपके सामने है। पहले मेरे बेटे को मार दिया, अब मुझे मार रही है। नहीं सर, सही झूठ बोल रही है, ये सब इन्होंने ही किया है। किसने क्या किया है ये हम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे पहले हॉस्पिटल ले जाइए,
मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवा साथ लेके आ रहा हूं मैं। तू? ओ, तो इसे पहचानती हैं। और सर मलिका के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि ये उसे अच्छे से जानती थी, दोनों के बीच में बहुत बातें होती थी। और जब आपने हमारी आवाज सुनी तो खुद ही अपने मुंह पे रुमाल और हाथों में रस्सी बांध और चाकू थमा दिया अपनी बहू को। काफी अच्छा ड्रामा कर लेती हैं आप। तो कामिनी जी, अब कष्ट करेंगे आप बताने का क्यों क्या ये सब? सौतेली माँ होने के बावजूद भी मैंने उसे अपना समझकर पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पापा के जाने के बाद मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पूरा फर्ज निभाया। उसे स्टार बनना था, बहुत बड़ा स्टार। मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके उसे इतना बड़ा स्टार बनाया। इतना बड़ा स्टार बनने के बाद वो मुझसे नौकरानियों का सुलूक करने लगा और ये मैं सहन नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। और इसीलिए उसकी जान लेने का प्लान बना डाला आपने। मैंने उससे 5-5 बार मारने की कोशिश की लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत उसे हमेशा बचा लेती थी। इस बार मैडम ने फैसला ही कर लिया था कि अजीत सर बचने नहीं चाहिए और इसके लिए रॉनी और मल्लिका को मोहरा बनाया। सर आपने मेरी फीस देने का वादा किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनेंस देने का भी। सर अब आप सब प्लीज अपनी बात से मत बुकरिए सर, प्लीज सर। तू जानता है ना मैं कौन हूं? अजीत कुमार। मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जैसे चाहूं कर सकता हूं। प्रेस के सामने बोलना पड़ा तो बोल दिया सर। प्लीज सर, सर प्लीज सर, मेरा क्या होगा सर? बोल दिया ना, चल। आ जाते कहां कहां से। मैंने रोनी से झूठ कहा था कि उसे अपने शरीर का एक ऑर्गन डोनेट करना होगा, उसके उसे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। और ऑपरेशन के जरिए उसकी आंख के पीछे बुलेट फिट करवा दिया, क्यों? हाँ, और उसका ट्रिगर मेरे हाथों में था। रॉनी के पास अब अजीत को मारने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। जब आपने रॉनी को अपने काम के लिए तैयार कर ही लिया था तो फिर मल्लिका को क्यों फंसाया आपने? रॉनी तो बच्चा था, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने मल्लिका को भी तैयार रखा। मल्लिका, खुदकुशी करने से तो अच्छा है कि अजीत को तुम अपने रास्ते से ही हटा दो। अब वो इतना बड़ा आदमी हो गया है, क्या कर सकती हूँ मैं उसका? मार दो उसे। और जब अजीत फंक्शन में नहीं पहुंचा तो मल्लिका को उड़ा दिया। मैं अपने खिलाफ कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों मारने की कोशिश की? अजीत तो मेरा बेटा था, मैं अपना बेटा समझकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम तो फिर भी पराई हो। कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। ये पूरा घर, ये छत, ये घर का एक एक पैसा मेरा है, मेरा। कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता, ये मैं सहन नहीं करूंगी। इज्जत तो आपको अभी नहीं मिलेगी, ना कोई बंगला ना पैसा। जेल की काल कोठरी में दिन निकालने पड़ेंगे फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.